सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। एक बार फिर से डाल्टनगंज एक बड़े हादसे का गवाह बनते बनते रह गया। जी हां, हम आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से एक भीषण हादसा होते होते रह गया। घटना बाजार क्षेत्र की है, जहां लाल कोठा के बगल में अजय प्रसाद गुप्ता का मकान है और उस मकान में एक सीमेंट दुकान है। बुधवार की अहले सुबह उस सीमेंट दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है और धू धू करके जो पूरा मकान है, जो पूरा दुकान है, वो जलने लगता है। हालांकि मौका वारदात पर डाल्टनगंज के नव नियुक्त जो थाना प्रभारी है जीपी सिंह, वो अपने दल बल के साथ मौजूद थे और दमकल की गाड़ियों की त्वरित कार्यवाही की वजह से आग पर काबू पा लिया गया। जो प्रत्यक्षदर्शी है उनकी माने तो लाखों रुपए की जो संपत्ति है वो खाक में मिल गई। और ये भी एक अच्छी बात रही कि जब आग लगी थी तब सुबह का समय था। हालांकि जिस क्षेत्र में आग लगी है वो डाल्टनगंज के सबसे व्यस्त हिस्सों में से एक माना जाता है और थाना के बिल्कुल समीप की ये घटना है, लेकिन अहले सुबह होने की वजह से सभी दुकानें बंद थी। जो बाजार में चहल पहल रहती है वो नहीं थी और बिल्कुल शांत माहौल था, इसलिए बड़ा हादसा होते होते टल गया। गर्मी अपने पूरे स्वभाव पर है और छोटी छोटी जो वजह है वो आग का रूप ले लेती है। तो एक बार फिर से शॉर्ट सर्किट जो है इस भीषण आगजनी का कारण बना है और इस आग पर काबू पाया गया है जो दमकल की गाड़ियां हैं उनकी सहायता से।